हैं संपूर्ण समर्पण और ट्रस्टी आत्माएं। बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने विकारों के अंश और वंश उसको भी पूरी तरह समाप्त कर दिया है। विकारों के मोटे रूप के ऊपर विजय पाना वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वृत्ति में चित्त पर कहीं ना कहीं उसका अंश और वंश अभी रह गया है। जैसे वासना है, काम वासना, काम वासना उसका अंश वंश क्या है, किसी की देह को देखा उसकी देह का चिंतन चलने लगा, उसकी सुंदरता का चिंतन चलने लगा, उसके फीचर्स की ओर आकर्षण होने लगा। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन आकर्षण है देह का, देह अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, और मन में कुछ कुछ विचार चल रहे हैं उस देह को लेके, तो उसको क्या कहेंगे, काम विकार का अंश है अभी। ऐसे ही क्रोध का है, लोभ का है, सभी विकारों का है, ऐसे मोटे रूप में क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है बाबा ने गुस्सा करने के लिए मना किया है तो चिल्लाएंगे नहीं, मुख से कोई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे गुस्से में आकर, लेकिन गुस्सा आएगा तो थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे, या ज्यादा नहीं तो आंख दिखा देंगे, आंख भी नहीं दिखाएंगे तो अंदर अंदर गुस्सा उबाल खाता रहेगा, दूध गिर नहीं रहा उबलने के बाद लेकिन उबल रहा है अंदर अंदर, बाहर नहीं दिखाई दे रहा है गुस्सा, तो गुस्से का अंश वंश है ना अंदर। ऐसे ही लोभ है, ऐसी ईर्ष्या है, अंदर अंदर ईर्ष्या रहती है, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से ईर्ष्या है, एक माता पिता के बच्चे आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ये आगे जा रहे हैं, इनका इतना नाम हो रहा है, इनको इतना सम्मान मिल रहा है, हम पीछे, हमें तो कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, खुश होना चाहिए, वो भी हमारे ही बहन भाई हैं, हमारे ही माँ बाप को वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, हम एक ही के तो बच्चे हैं, तो ईर्ष्या। तो बाबा आज कह रहे हैं कि ये विकारों के जो अंश वंश हैं इसको पूरी तरह से जो बच्चे खत्म कर देते हैं वो हैं ट्रस्टी या समर्पित बच्चे।